सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रिफंड पॉलिसी क्या होगा आपके सीएसबी काउंसलिंग में। अगर आप 2022 के सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आपको कितना रिफंड मिलेगा किस किस कंडीशन में। ओके, और जो लोग सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आज आपका लाइक ज्वाइन करने के लिए काउंसलिंग हेल्पडेस्क आज ही ज्वाइन करिएगा। इसके बाद फिर ज्वाइन करेंगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज आप लोग ज्वाइन करिएगा, आज आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सीएसबी काउंसलिंग के हेल्प डेस्क वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कितना आपको रिफंड पॉलिसी मिलेगा सीएसबी काउंसलिंग में अगर आपको लाइक सीट विथड्रॉ करते हो, सरेंडर करते हो या सीट नहीं लेते हो तो। ओके, सो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले मैंने ऑलरेडी जोसा के बारे में बता दिया था कि जोसा में आपको कितना रिफंड मिलेगा जोसा काउंसलिंग के बाद में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीएसबी काउंसलिंग। तो कंडीशन क्या है कि इफ़ कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड ए सीट इन सी एस बी काउंसलिंग राउंड वन और रिटेन द जोसा सीट इन एन आई टी पर सिस्टम, मतलब कि या तो अगर उनको सी सैप काउंसलिंग वन में सीट मिलता है और सीट मिलने के साथ साथ या तो अगर उनका जोसा काउंसलिंग ऑलरेडी उनको सीट मिला हुआ है, ठीक है, वो रिटेन किए हुए, तो उस कंडीशन में किसको कितना कितना रिफंड मिलेगा बात कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि अगर वो लाइक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग इन द सेंस कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो, ठीक है, जो फी होगा वो पे नहीं करते हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो जितना आपने फी पे किया होगा ना उसमें अपने आपके 3000 डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी पैसे रिफंड होंगे। ऑलराइट, दूसरा क्या है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ड्यूरिंग स्पेशल राउंड वन इज़ अनसक्सेसफुल, अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन उनको करना होगा जिनको पहली बार सीट मिल रहा है, जोसा में जिनको सीट मिल चुका उनको नहीं करना होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनको भी कितना डिडक्ट होगा, 3000 डिडक्ट होके बाकी सारे पैसे मिल जाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या है, कैंडिडेट एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शन विथड्रॉ, मतलब उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब विथड्रॉ करने वाले दो केसेस हैं, या तो जोसा में जिसको सीट मिला वो और या तो जिसको पहली बार सीट मिल रहा है उनको, तो अगर विथड्रॉ करते हैं तो भी आपको 3000 डिडक्ट होके आपके बाकी सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट चौथा ऑप्शन क्या है कि द कैंडिडेट एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शन सरेंडर। अब जब आप सरेंडर ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है उसमें कि आपको जो जोसा में सीट मिला है वो वाला कैंसिल हो जाता है। और लाइक मान लेते हैं कि दो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन कि लाइक जिसको जोसा में सीट मिला था और वो सीसे में जा रहा है और सीसे वन में उसको सीट मिला, उन्होंने उसने सरेंडर ऑप्शन चूज कर दिया। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आपको जोसा वाला भी कैंसिल हो जाएगा और जो आपको मिला है वो भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट राउंड चले जाओगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सरेंडर के बारे में बता दिया था। एंड नेक्स्ट क्या है, नो सीट इज अलॉटेड इन सीसे राउंड टू। सरेंडर के बाद अगर आपका स्पेशल राउंड टू में कोई सीट अलॉट नहीं होता है, ठीक है, तो इस केस में आपको 3000 डिडक्ट होकर बाकी सारा पैसा मिलेगा, समझ में आ रहा है। अब लास्ट केस जो है, पांचवा केस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है नोट करके, देयर शैल बी नो रिफंड फ्रॉम सीसैप, रिफंड नहीं मिलेगा क्या क्या कंडीशन में। पहला कंडीशन है हु फेल टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीसैप राउंड टू, मतलब सीसैप राउंड टू में आपको सीट मिला है, आपके पास सीट है और उसके बाद आप लाइक अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे मतलब फेल हो जाते हो वहाँ पे एडमिशन लेने में, ज्वाइन करने में, तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, रिफंड। दूसरा कंडीशन क्या है, हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन स्पेशल राउंड टू एंड फेल टू पे द इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, अगर आप फी नहीं पे करते हो तो इस केस में भी आपका जो क्या है, रिफंड नहीं मिलेगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कितना कितना रिफंड मिलता है, ठीक है। और तीसरा इसी में कंडीशन क्या है, द सीट इज़ कैंसल्ड ड्यू टू इन एलिजिबिलिटी और इन और इन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेरी ऑफ द वेरीफाइंग ऑफिशियल टाइमली ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, मतलब आपको सीट मिला लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं कराए, या कोई डॉक्यूमेंट आपका इन अप्रोप्रिएट है, या आपने क्वेरी को रिस्पॉन्ड नहीं किया, बेसिकली आगे का प्रोसेस नहीं करोगे तो भी इस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पूरा डिटेल में मैंने बता दिया कि किस किस कंडीशन में लाइक कितना आपको रिफंड मिलेगा, बेसिकली 3000 डिडक्ट होकर बाकी सारे पैसे रिफंड मिल जाते हैं, ठीक है, और किस किस कंडीशन में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।